ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को अगला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेलना है। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट है। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि 2018 के दौरे पर उसने ऑस्ट्रेलिया को इसी मैदान पर एक टेस्ट मैच हराया था। साथ ही इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त भी दी थी। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच शनिवार को 8 विकेट से गंवा दिया है। इस डे नाइट टेस्ट में भारत ने एक पारी में अपना सबसे छोटा स्कोर 36 रनों का बनाया था। इस हार के बाद टीम इंडिया को अलर्ट होना चाहिए क्योंकि उसके साथ ही एक खराब रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। दरअसल टीम इंडिया टेस्ट इतिहास में एशिया में बाहर सीरीज का पहला मैच हारने के बाद सीरीज नहीं जीत सकी है। टीम ने इस बार 35वीं द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में का पहला मुकाबला हारा है। इससे पहले 34 टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने पहला मैच हार कर 31 बार सीरीज गंवाई है, जबकि 3 बार भारत ने द्विपक्षीय टीम के साथ सीरीज ड्रॉ कराई है। इस दौरान टीम इंडिया ने 1980 में ऑस्ट्रेलिया, 2002 में इंग्लैंड और 2010 में साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई थी।